जो व्यक्ति केवल मंदिर में ईश्वर को देखता है और कहीं ईश्वर को नहीं देखता, वो पत्थर में ईश्वर को देखने वाला वो राख में आहुति करने जैसा काम कर रहा। जैसे राख में कोई हवन की सामग्री डाले स्वाहा स्वाहा। तो सही क्या है? बोले पत्थर में भी ईश्वर को देखो, पर पत्थर में ईश्वर को दूसरे नंबर पर रखो। एक होता है जड़, एक होता है चेतन। आप लोग क्या है, जड़ है कि चेतन है? जोर से, जिसके अंदर चेतना है, शक्ति है देखने सुनने की, वो चेतन। तो आप क्या है और पत्थर क्या है? जड़। वृक्ष क्या है? जोर से, चेतन। पक्षी क्या है? कौआ क्या है? मछली क्या है? बकरा क्या है? गाय क्या है? इस संसार में दो चीजें हैं, या तो जड़ है या तो चेतन है। हाँ या ना? तीसरा कुछ है? या तो जड़ होगा या तो सुनो, एक है जड़, ये वस्तु है जड़, ये वस्तु है, ये क्या है? ये जड़ है और ये चेतन है। अब एक जड़ है और एक चेतन है। अब ये आपको डिसाइड, आपकी जो माँ है, आपका जो पिता है, वो जड़ है कि चेतन? माता पिता चेतन है। और आपके घर में जो मंदिर है, वहां जो ईश्वर बैठे हैं, वहां पे जो कण कण, आपके घर में जो कण कण है, जैसे कहते हैं ना कण कण में ईश्वर, तो कण कण जो है वो चेतन है कि जड़ है? बोलो, वो तो जड़ है। तो सबसे पहले ईश्वर को कहां देखा जाए, जड़ में कि चेतन में? चेतना में ईश्वर को देखा जाए, चेतन में ईश्वर को देखा जाए। लेकिन आप चेतन में देखते ही नहीं, आप अपनी माता में ईश्वर को देखना ही नहीं चाहते, आप अपने पिता में ईश्वर को देखना ही नहीं चाहते, आप अपने पति में ईश्वर को देखना ही नहीं चाहते, आप छोटे छोटे बच्चों में ईश्वर को देखना ही नहीं चाहते, आप पशु पक्षी में ईश्वर को देखना ही नहीं चाहते, आप केवल जड़ में ईश्वर को देखना चाहते हैं। क्योंकि जड़ आपसे कुछ मांग नहीं सकता, आपसे कुछ कह नहीं सकता, आपकी शिकायत नहीं कर सकता, आपको लगता बस यही सही है। जड़ के सामने केवल आप कह सकते हैं, जड़ कुछ नहीं कह सकता, लेकिन चेतन के आगे वो भी कह सकता है और आप भी कह सकते हैं। तो आदमी क्या कर रहा है, जड़ की तरफ भाग रहा है, इसलिए जड़ बुद्धि होता चला जा रहा है। ईश्वर दोनों जगह है, ईश्वर तो सर्वत्र है, ईश्वर तो सर्वव्यापी है, लेकिन यदि दो चीजें हैं जड़ और चेतन, तो पहली प्राथमिकता किसको देनी चाहिए? जोर से, चेतन को। तो पहली प्राथमिकता चेतन को, कि हम कुत्ते को दाना डालें, हम गाय की सेवा करें, हम पक्षी की सेवा करें, हम मानव जाति की सेवा करें, बूढ़ों की, बुजुर्गों की, प्यासे की, भूखे की, कपड़ा देकर, निर्वस्त्रों की चप्पल देकर, जिनके पांव नंगे हैं चप्पल दे दो, नंगे पांव वाले को, कपड़े ना होने वाले को कपड़े दे दो। तो चेतन की सेवा से, जो चेतन के भीतर ईश्वर बैठा है, वह ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा। इसलिए तो कहते हैं नर सेवा ही नारायण सेवा है। तो जो जड़ में ईश्वर को देखेगा वो चेतन में भी, जो चेतन में ईश्वर को देखेगा वो जड़ में भी ईश्वर को देख लेगा। अब सोचो कि तुम्हें जिंदा इंसान में तो भगवान दिखते नहीं, तो पत्थर में तुम्हें भगवान दिख जाएंगे? बोलो, पहले कहां देखोगे? पहले चेतन, पहले अपनी मां में भगवान देखो। जब मां में ईश्वर को देखने का अभ्यास हो जाएगा, तो फिर पत्थर में भी ईश्वर दिख जाएगा। मां में तो तुमको ईश्वर दिखा नहीं, तो पत्थर में खाक दिखेगा। बात समझ में आई? इसलिए मूर्ति पूजा गलत नहीं है, सही है, मैं खुद करता हूं, लेकिन मैं मूर्ति पूजा को दूसरे नंबर पर रखता हूं। मैं पहले नंबर पे मानव जाति की सेवा को रखता हूं। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में मैंने मंदिर के नाम से आपसे पैसा नहीं लिया कि मैं मंदिर बना रहा हूं जी आप पैसा दे दो। मैंने आज तक आपको मंदिर के नाम पे पैसा लिया? मैंने कभी नहीं कहा कि मैं मंदिर बनाने जा रहा हूं। मंदिर क्या बनाऊं, परमात्मा तो कण कण में है। मैंने वो जगह बनाई जिसकी मानव जाति को जरूरत थी,
और वो वृद्ध माताएं जिनके अपनों ने सताया ठुकराया, उन माताओं को एक छत की जरूरत थी, तो उन माओं के लिए एक वृद्धाश्रम बनाने के लिए मैंने कहा कि आप सहयोग करो। और वो माताएं जो अपनों से दुत्कारी और सताई और ठुकराई गईं, उन्हें प्यार गौरी गोपाल में मिला। जब माताएं मेरे हृदय से लगती हैं तो खुशी के आंसू छलक जाते हैं। जब मैं अपने हाथ से माँ को खिलाता हूँ, जब मैं अपने हाथ से उनके चरण दबाता हूँ, तो खुशी से मैया नाचने लग जाती हैं कि मेरे बेटे ने मुझे प्यार से नहीं खिलाया, उसने कभी इतना लाड़ ना लड़ाया। तो मुझे अच्छा लगता है कि जब ये माँ जो रोती रोती गौरी गोपाल में आई, जब वो हंसेंगी और मुस्कुराएंगी, तो बताओ क्या उनके भीतर बैठे परमात्मा ना मुस्कुरा रहे होंगे? क्या उनके भीतर बैठे ईश्वर ना हंस रहे होंगे? वो नाच रही होंगी तो क्या उनके भीतर बैठे ईश्वर ना नाच रहे होंगे? तो मेरा सिद्धांत है कि पहले मैं चेतन में ईश्वर को देखूं, फिर मैं जड़ वस्तु में ईश्वर को देखूं। तो बताओ मैं सही हूं या गलत, थोड़ा ज्ञान दे दो हमें। हाँ, सही है। तो पहले मात्र देवो भव, मैंने मंदिर नहीं बनाया साहब, मैंने देखो कोई मंदिर नहीं बनाया, मैंने छोटा सा ठाकुर जी का स्थान बनाया कि हमारी माताएं वहां बैठ के ध्यान करें, पूजा करें। वो तो हम सनातनियों का परंपरा है कि हम घर पर एक मंदिर बनाते ही बनाते हैं, तो वो तो है। गौरी गोपाल मंदिर में गौरी गोपाल भगवान विराजे हैं, पर हमने भगवान के लिए जगह थोड़ी रखी है और वृद्ध माताओं के लिए जगह ज़्यादा रखी है, क्योंकि हम भगवान को मंदिर में ही नहीं देखते, माँ के मन मंदिर में भी हम भगवान को देखते हैं। जितनी माँ है उतने मंदिर हैं। तो गौरी गोपाल आश्रम में यदि 285 माँ हैं, तो प्रत्येक माँ के मन में मंदिर है या नहीं? तो फिर इतने सारे मंदिर हो गए। इसलिए कहते हैं माटी के मंदिर क्या बनाते हो, मन को मंदिर बनाओ। किसको मंदिर बनाओ? मन को मंदिर बनाओ। अभी तुम्हारा मन कीचड़ है, कीचड़। अभी तुम्हारा मन क्या है? कीचड़, गंदगी में उलझा है। इस मन को मंदिर बनाओ। मंदिर मीन्स पवित्र बनाओ, पावन बनाओ। इसमें ईश्वर को बिठाओ, मन मंदिर में, हृदय में। आंखें बंद हों तो गिरधर गोपाल नजर आए, आंखें खुलें तो गिरधर गोपाल नजर आए। हर जीव में, हर प्राणी मात्र में कृष्ण ही कृष्ण हो, यही जीवन की सार्थकता है। अर्जुन ऐसे ही थे, भक्तों की बातें ऐसे ही होती हैं। इसलिए आप लोग बताओ कि दास अनिरुद्ध सही कर रहा है कि गलत कर रहा है? हमें मंदिर बनाने चाहिए? जरूरत है मंदिरों की? नहीं, मंदिर की जरूरत नहीं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध ने मंदिर नहीं बनाया, गौरी गोपाल गुरुकुल बनाया कि बच्चे पढ़ सकें। क्या बनाया? गौरी गोपाल गुरुकुल बना। अभी 150 बच्चे पढ़ रहे हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में। 150 बच्चे पढ़े, उनको पढ़ना, रहना, खाना, पढ़ना, लिखना सब फ्री है, सब कुछ। तो मैं 150 बच्चों की सेवा कर पा रहा हूँ। यदि आपका आशीर्वाद रहा तो 200 बच्चों की भी कर पाऊंगा। आपका लाड़ आशीर्वाद मिला तो 500 बच्चों की भी हो पाएगी। सबके लिए तो पैसा लगता है ना मेरी माँ। लेकिन एक बात बताएं, आपका धन पावन हो जाता है जब वो सेवा से जुड़ता है। गौरी गोपाल आश्रम को देखकर किस किस को शांति मिलती है, किस किस के हृदय में प्रसन्नता होती है कि यहाँ जो हो रहा है वो वाकई अच्छा है, क्या किस किस का राम राम ये कहता है? ये आप सही हाथ उठाए हैं कि झूठे ही उठाए हैं? सही, ठीक है। गौरी गोपाल आश्रम में सोचिए 150 बच्चे पढ़ते हैं गुरुकुल में। आप दर्शन कर लें, जो गौशाला है ना, जाके देखना गौशाला, वहीं पे गुरुकुल भी है, बच्चे पढ़ते हैं, 150 बच्चे। मेरे एक छोटे से प्रयास से यदि बच्चे पढ़ जाएं, गरीब परिवार के बच्चे हैं, और वो और क्या पढ़ते हैं, भारत की वो वैदिक परंपरा जो नष्ट की थी मुगलों ने, अंग्रेजों ने गुरुकुल उजाड़े, आज उन्हीं गुरुकुलों को बसाने का कार्य दास अनिरुद्ध कर रहा है कि गुरुकुल बने रहें। ये गुरुकुल के बच्चे हैं, आप जो टीवी पे देख रहे हैं, बच्चों को कभी बैग बांटा जाता है, कभी वस्त्र बांटे जाते हैं, कभी कुछ। आप लोग जो बांटते हैं तो वो बढ़ता है। तो आप लोग इन बच्चों को भी गोद लो कि एक बच्चे को हम पढ़ाएंगे, रहेगा गुरुकुल में, पर हमारी तरफ से बच्चे को एक साल भर का भोजन हम देंगे, बच्चे की कॉपी किताब का हम सहयोग करेंगे, एक एक बच्चे की आप सेवा कर लेंगे तो बच्चे पढ़ जाएंगे। देखो अभी तक आप लोग सोचते हैं अपने बारे में,
किसके बारे में सोचते हैं? जोर से, अपने बारे में। अब सोचना है गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं के बारे में कि हमारी भी कुछ ना कुछ सेवा, हमारा भी धन इस सेवा से जुड़ जाए, इस सेवा से जुड़ जाए। क्योंकि आपका धन जब जुड़ता है तो वो कई गुना होकर मिलता है। तो आप सभी बच्चों की सेवा से जुड़ें। गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई चलती है, कोई भी भक्त आता सबको पेट भर भोजन मिलता है।